नमस्कार, मैं शिवराज सिंह, तुसी जुड़ चुके हो चैनल पी वी न्यूज़ के नाल। सो इस वक्त साढ़े नाल जुड़े ने भाई रुपिंदर जी, जो कि पंजाब अते हरियाणे दे कबड्डी कप्पां दा शिंगार है, जिन्हां दी आवाज़ सुनने लखां ही लोगों के कन्न तरसते हैं। सो आप उन्हां नाल कुछ किसानी मुद्दे पर गलबात करते हैं। सो सत श्री अकाल जी। सो आप देख रहे हैं कि जो अपना किसानी संघर्ष है, लगातार इत्थे दिल्ली दे विच एक महीना होने वाला है। सो किसान इन्नी कड़क की ठंड के किसान की बुजुर्ग बीबिया बच्चे ने, सो ये उमें जिक्र जुटे हुए ने, ते जो सरकार है उन्होंने कन्न उत्त हजे कोई भी जू नहीं सरकी, तुसी की कहना चाहोगे दे बारे? कहना तो भाई यही है यार, भी जू चाहे हजे तक नहीं सरकी, वो तो लोगों लजो नहीं सरकी, जो आप कह दिए चैनलों पर नहीं सरकी, ऊँ तो उन्होंने सिर च नित खुड़क लड़ती हैगी। तो कोई गल नहीं, जे अपनी चैनलों पर भी आके बोलन लग जाएंगे, महाराज कृपा करे, साढ़े इक्के की बहुत व्डे पद्धर से लौड़ है, सरकूगी जूँ, कोई गल नहीं। हजे तक अज महीना हो गया पूरा, 26 तरीक न तुरे से, 26 नवंबर की कॉल से, अच्छ 26 दसंबर हो गई, तो आ नवे साल से देखो 21 की बनता। सो अपना यह संघर्ष चल रहा है, सो कि कोई इतने रहन की दिक्कत या कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो? ना ना जी, हरियाणे वाले भरावां का बहुत धन्यवाद, पहले दिन तो साडे नाल सपोर्ट कर रहे हैं, बैरीयर तोड़वाण तक, उदू बाद इतने बहे लंगर पानी का आपका करके आए, सारा रहन बहन का, तो बाकी बाबे की कृपा ना जी, पिछे साढ़े सपोर्ट खड़ी है भरावान की, वो बहुत व्डे पद्धर से इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं गी, पानी मंगी का पानी आता, दुध मंगी का दुध आता, जो चीज़ इतों कहती वो हाजिर होंगी है। सो सोडिया सेवावान असं लगातार देख रहे हैं कि बहुत ने सवेरे शाम तुसी लगातार घंटा घंटा दो दो घंटे स्पीच दिने हो, इहदा असर भी बहुत पै रहा है। सो कुछ आपदे कबड्डी प्लेयरां वास्ते जां कुछ कहना चाहो? देखो कबड्डी प्लेयरां वास्ते हुण तां तुहानूं पता ही है वी सारे प्लेयर आई चुके आ, टिकरी बॉर्डर ते, आपां उधर देख लीए दूसरे बॉर्डर ते, संभू ते, सारे भरा इह वी साडे कबड्डी वाले आ, कबड्डी का कप कराउंदे आ, मलेरकोटले दविंदर सरपंच है ना, काला बाई इधर अपना जसवंत वीर, सारे भरा अपने, तो हुण तां सारे ही आ रहे, जिहड़े रह गए देखो जितना तो आपां पक्का है ही हैगा, ये तो कोई दो रावां नहीं है भी आप हार जाएंगे या ये आप दी गल ते अड़िया रहूगा, एडा नहीं गया ये मोदी या सर बीजेपी सरकार, तो आप यही गल कहने भी आओ ये जिन्ना बनता योगदान आ आपका पा के जाओ। की लगता भी जिन्ना चिर अपना एक किसानी संघर्ष चल रहा आप जित नहीं सकते, जिन्ना चिर उन्ना चिर पंजाब या हरियाणे कितने भी कोई टूरनामेंट होना चाहिए? पंजाब तो बंद हो गए, हरियाणे भी मैनू लगता बंद ही आलमोस्ट बंद ही आ सारे पासे, भी सारे चलो कली कबड्डी की नहीं गल, कोई भी गेम का कोई टूरनामेंट, कोई भी सांझा जिहड़ा ईवेंट हुंदा, कोई आप कह दिए कले टूरनामेंट नहीं। जो देखो कबड्डी प्लेयर वास्ते हुण तां तुहानूं पता ही है वी सारे प्लेयर आई चुके आ, टिकरी बॉर्डर ते, आपां उधर देख लीए दूसरे बॉर्डर ते, संभू ते, सारे भरा इह वी साडे कबड्डी वाले आ, कबड्डी का कप कराउंदे आ, मलेरकोटले दविंदर सरपंच है ना, काला बाई इधर अपना जसवंत वीर, सारे भरा अपने, तो हुण तां सारे ही आ रहे, जिहड़े रह गए देखो जितना तो आपां पक्का हैगा ही हैगा, ये तो कोई दो रावां नहीं है भी आप हार जाएंगे या ये आप दी गल ते अड़िया रहूगा, एडा नहीं गया ये मोदी या सर बीजेपी सरकार, तो आप यही गल कहने भी आओ ये जिन्ना बनता योगदान आ आपका पा के जाओ। की लगता भी जिन्ना चिर अपना एक किसानी संघर्ष चल रहा आप जित नहीं सकते, जिन्ना चिर उन्ना चिर पंजाब या हरियाणे कितने भी कोई टूरनामेंट होना चाहिए? पंजाब तो बंद हो गए, हरियाणे भी मैनू लगता बंद ही आलमोस्ट बंद ही आ सारे पासे, भी सारे चलो कली कबड्डी की नहीं गल, कोई भी गेम का कोई टूरनामेंट, कोई भी सांझा जिहड़ा ईवेंट हुंदा, कोई आपां कह दिए कले टूरनामेंट नहीं, जां कोई जोड़ मेला हुंदा, जां कोई भी जिथे ज़्यादा इकट्ठ हुंदा, आपां कह दिए कोई सभ्याचारक मेले हुंदे आ, उह बंद कर दिए हुण आपां जे हुंदे भी आ, क्योंकि हुण लड़ाई जिहड़ी अपनी आ फाइनली आ हुण मोदी नाल, क्योंकि आपां वार वार तां इत्थे इकट्ठे होना नहीं गा, तो मसा आप कट्ठे हुए, वाहगुरू ने आपां नूं कट्ठे कीता, तो जितांगे जरूर, तो बाकी वाहगुरू की कृपा भी एक आ बहुत आ, ठीक है आ रहे हैं, टूरनामेंट बंद होणगे तां साडे प्लेयर भी जिहड़े आ रहे हैं, जे चलणगे तां उह फिर कई वारी प्लेयरां नूं भी आया हो जांदा यार भी आपां खेड आईए जां किद्दां भी, बाकी बहुत वधिया चल रहा जी। सो आपां देखदे हां कि जो किसान ने इन्नी कड़क की ठंड के भी बजुर्ग बच्चे औरतां लगातार अपने मुद्दों के उत्ते डटे हुए ने, सो की कहना चाहोगे तुसीं इन्हां दे बारे? साडा फर्ज बनता जी डटन का, क्योंकि असं किसान खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, जे मोदी ने तिने काले कानून वापस ना ले, साड़ी होंद ही नहीं रहनी, जो होंद ना रहू तो फिर असं रहा किस जोगे, इसलिए साडा फर्ज बनता है और डटन का फर्ज है, बाकी लोगों भी असं बेनती करते हैं भी वध तों वध इत्थे आउण ते वध तों वध साडा साथ देण। सत श्री अकाल जी। सो आप देख रहे हैं कि जो किसान है वह डटे ने, उन्होंने किसी भी किस्म का कोई इत्थे नुकसान नहीं किया,
पीसफुली प्रोटेस्ट है जी उन्होंने चल रही है। सो केंद्र नूं लगता है इन्ना वारी ख्याल करना चाहिए। जो किसान है ना वो धरती का पुत्र है, वो जुड़िया होया है, वह पहला ही अन्नदाता है, वो शांति का प्रतीक है। तो जिहड़ियां साडियां जथेबंदियां नेगियां 500 जथेबंदियां दा जो अपना साडा फैसला लैंदियां हन, वो साडा सब तो पहला हिंदुस्तान के वासियों नूं इक्को ही अपील है भी शांति शांति। जो ये काले कानून बनाए साडे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, एक बहुत ही अपना अन्नदाता नाल ते हिंदुस्तान के किसान नाल एक बहुत बड़ा धोखा किया है। सो असी जो वार्ड नंबर 29 दे विच कुछ किसानों अते आदित्य चौटाला दे विच फाइट हुई है, सो उन्होंने ये इल्जाम लाया कि जिहड़े किसान है वह इत्थों दीआं धीआं भैणां नूं दे नाल छेड़खानी कर रहे सी। की कहोगे तुसीं? 4 महीने हो गए सानू, अज तक तो कुछ होया नहीं। जिन्हां दा इलैक्शन नेड़े आ गया, वोटां नेड़े आ गईआं चौटाले वालिआं दीआं, तां फिर इन्हां नूं ये लग रहा है भी यह छेड़खानियां कर दे कर दे। तो आप कुछ अजिहां करतूतां वह तां दुनिया के सामने है, पूरे हरियाणा पंजाब च चौधरी देवी लाल कितों तक पहुँचा सी, अज इन्हों कोई शहर च नहीं बढ़न दिता, सरसे च इन्हों फिट लाणती हुई है। इस परिवार न होना चाहिए जी, ये माड़ा काम हो गया, आपके लक्षण आपके लक्षण हो गया। दोबारे पूछ लो इंद्र, माड़ी करे तो भुगतन भी। सो इन्हों का कहना भी जो करूगा सो भरूगा। सो साडे नाल सन बाबा सुखदेव सिंह जी बड़ा गुड़ा, सरदार मेजर सिंह जी पट्टी सरपंच पिंड रोड़ी, सरदार हरजिंदर सिंह जी सूबा खेड़ा। सो इन्हों की यही अपील है सरकार नूं कि छेती तो छेती जिहड़े काले कानून है इन्हों नूं रद्द करन, तां कि जो किसान है इस टाइम सड़कां ते रुल रहे हैं, सो आपो अपनी शांतिपूर्वक घरां नूं वापस होण। सो अगली अपडेट दे लई जुड़े रहो साडे चैनल PV News दे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद।